वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल सिमला कम्युनिकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ जो लोग हमसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं या हमारी ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन सब लोगों का। ये जो प्रोडक्ट हैं दोनों क्विक के हैं, किसी को भी डिफेम नहीं करना है, किसी को डिमोरलाइज नहीं करना है। सिर्फ पर्पज़ क्या है, एक्चुअली क्या है, किसी के पास क्विक 2008 डी प्लस नहीं है तो बोलेगा जी क्विक 2008 बहुत अच्छी है, और किसी के पास 2008 डी प्लस है तो बोलेगा जी 2008 जो से 2008 नया वर्जन आ गया 2008 डी प्लस बहुत अच्छी है। सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ और कोई पर्पज़ नहीं है। दोनों SMD अपने आप में बहुत ऑसम है, बहुत अच्छी हैं। दोनों का एलिमेंट 750 वाट का है, 750 वाट का एलिमेंट है। दोनों में चैनल है, चैनल में डिसाइडेड है, तीनों में CH1, CH2, CH3 थ्री चैनल्स हैं और टोंगल स्विच लगा हुआ है वायर को एयर को कंट्रोल करने के लिए। दो ये बराबर में स्विच लगे हुए हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। देखना ये है कि डिफरेंस क्या है। लोग जो है क्या कहते हैं, साहब नया आया है उसका पता नहीं है टस। कोई जो भी SMD बनाती है ऑसम बनाती है, लेकिन हमारी कंट्री में लोगों को समझाना मुश्किल काम है। थोड़े से पैसों के लिए किसी दूसरी SMD में क्विक कर स्विच कर जाएंगे, दूसरे ब्रांड में स्विच कर जाएंगे या फिर कंपनी के ब्रांड नेम पे चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कौन ओरिजिनल बेच रहा है कौन कॉपी बेच रहा है। शोरूम लोगों ने बहुत बड़े बड़े खोल रखे हैं, बड़े शोरूम वालों के बड़े खर्चे हैं, कॉपी भी बेच देते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारी कंट्री में आदमी को चमक धमक चाहिए होती है। सामने 200 रुपये अगर कम मिल रहे होंगे तो हम डुप्लीकेट SMD खरीद के खुश हो जाएंगे बाद में, क्योंकि नो गारंटी में प्रोडक्ट बिकता है। अगर आज की डेट में कोई का प्रोडक्ट वारंटी में बिकना शुरू हो जाए तो जितने भी ब्रांड्स हैं उन सबसे ज़्यादा, पहली बात तो 80% शेयर इस टाइम अगर आप नॉर्मल मार्केट को उठा के देखेंगे तो क्विक का है। दूसरी SMD जो प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं, जो हर तीसरे आदमी ने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, वो सारे के सारे जो हैं एक दो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं पीछे, उनसे ही बनते हैं SMD। मैंने दो अलग अलग मीटर CC लगाए के ताकि हम टेम्परेचर मियर कर सकें एग्जैक्टली और देख सकें। दोनों का कंट्रोल पैनल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में डिफरेंस है। ये SMD अगर हम चलाएंगे, सपोज मैंने पहला चैनल 3 पर रखा हुआ है तो ये जा रहा है टेम्परेचर, मैंने 480 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको सेट किया हुआ है और 100 डिग्री वो है, ये टोटल टेम्परेचर जो है आपका 440 तक पहुंच गया है। 480 पे मेरी सेटिंग है, 2 सेकंड और चलाऊंगा तो इंशाल्लाह 480 के आसपास नियर अबाउट आ जाएगा। ये देखिए आप, क्योंकि जिस तरह जब टेम्परेचर शुरू में एकदम इंक्रीज होता है और उसके बाद एकदम 480 पे जाके ऊपर गया ये एक आध पॉइंट, फिर नीचे आया, क्योंकि उसके बाद क्या थर्मोस्टेट अपना काम करना शुरू कर देता है, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करता है। दूसरी बात, हेलिकल एयर्स आती है, वाइंड एयर नहीं आती इसके अंदर, इसलिए ये SMD ICs बनाने के लिए, BGA रिबॉलिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा कामयाब SMD कराई जाती है। और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस जाता है, एयर जो है वो 100 dBm पे जाती है। इसको हम वापस रख देते हैं, स्लीप मोड में आ जाएगी, ये टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, एयर जितनी है उतनी ही रहेगी। सपोज़ मैं इसकी एयर जो है अगर डिक्रीज करके मैं सेट कर दूं तो ऊपर नहीं जाएगी। ये मैंने इसकी एयर जो है 80 पे सेट की है और इसको चैनल को दोबारा प्रोग्राम कर देता हूँ। अभी एक बार ठंडी हो जाएगी। अब हम इस SMD को उठाते हैं, सेम SMD मैंने चलानी शुरू की, इसके अंदर भी चैनल 3 कर देता हूँ मैं। एक मिनट, इसकी एयर जो है मैं को सेट करनी है, मैं इसको स्लीप मोड में आने देता हूँ। ये अभी कट ऑफ हो जाएगी, ये भी आपकी स्लीप मोड में आके बंद हो गई। अभी हम क्या करते हैं, इसकी एयर जो है 80 के ऊपर जो है प्रोग्राम कर देते हैं, ये एयर 80 पे प्रोग्राम हो गई। अब हम इस SMD को चलाते हैं उठा। SMD मैंने स्टार्ट की,
टेम्परेचर इसके अंदर भी हम चेक कर रहे हैं, पूरा 480 जाएगा बिल्कुल। वापस हटा देंगे आप कैलिब्रेशन से, देखिए ये थोड़ा सा 2-3 डिग्री सेल्सियस मतलब प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस जो है आपका 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि थर्मोस्टेट वर्किंग करने लगता है। अगर ये नहीं होगा तो ये एकदम 480 से आपको ऊपर ले जाएगा। अब जो चीज़ आती है रखने वाली, अब मैं वापस इसको रखता हूँ स्लीप मोड के लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी जो एयर है वो ऑटोमेटिकली 100 पे चली गई, ताकि आपका एलिमेंट जब तक ठंडा हो तो ये आपको फुल स्पीड पर एयर फेंकेगी। आपका एलिमेंट ठंडा होगा, स्लीप मोड में आएगी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसके अंदर भी मैं वही चीज़ करने की कोशिश करता हूँ, एटी के ऊपर जो है इसको सेट करता हूँ चैनल 3 को, वापस ये गई, इसमें 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 480 पे ये जाएगा, वही फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया। वापस मैंने रखा, इसके अंदर भी एयर जो है डिट्टो 100 के ऊपर चली जाती है। दोनों SMD के अंदर फंक्शन है कि जब कूलिंग मोड में आएगा, स्लीप मोड के अंदर आएगा, तो जो है वो एयर को फुल कर देगी और टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू कर देगी। लेकिन एक मेजर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर आप पैनल लॉक कर सकते हैं, इसके अंदर आप पैनल लॉक नहीं कर सकते। इसके अंदर आप टेम्परेचर सेट करने के बाद अपने चैनल्स को लॉक अगर कर देंगे तो कोई भी दूसरा आदमी जिसको आपका पासवर्ड नहीं मालूम है वो आपकी SMD को आपके बिना ना तो यूज़ कर सकता है, यूज़ कर सकता है सिर्फ आपके प्री डिफाइंड चैनल के ऊपर जितना आपने रखा हुआ है। अगर आपने चैनल को लॉक कर दिया है तो आपकी ये वैल्यू जो है यहाँ से चेंज नहीं हो सकती। जैसे मैंने अभी जो है इस वाले चैनल को जो है, अभी ठंडी हो जाएगी तो बताता हूँ आपको जब चैनल चेंज होंगे। ये दोनों चीज़ें स्लीप मोड में आएंगी और इसका स्लीप मोड थोड़ा थोड़ा स्लो चलता है उसके कंपैरिजन में, इसका स्लीप मोड जो है वो ज़्यादा फास्ट है उसके कंपैरिजन में। ये वापस आ रही है स्लो 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 स्लो, क्योंकि 480 डिग्री सेल्सियस पे हमने तकरीबन 1.5 मिनट के करीब उसको यूज़ किया था और इसको हमने इमिडिएटली रख दिया। तो जितना एलिमेंट हमारा गर्म होता है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग ही जो है वो उसकी कूलिंग होती है। ये आपकी स्लीप मोड में आ गई है, इसके अंदर आप चैनल लॉकिंग नहीं कर सकते, उसके अंदर आप चैनल लॉकिंग कर सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने बाकायदा चैनल कैसे लॉक होता है, कैसे अनलॉकिंग होती है, कैसे चैनल को अनलॉक किया जाता है, कैसे डी अनलॉक किया जाता है, दोनों चीज़ें उसके अंदर बताई हैं करके, लॉकिंग भी और अनलॉकिंग भी। तो अभी जो मेरा मेन पर्पस था वो ये दिखाने का था कि एक भी SMD के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ये भी 760 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 760 डिग्री सेल्सियस। मियर करके मैंने आपको दिखा दिया दोनों का टेम्परेचर सेम टाइम में बिल्कुल सेम रहेगा, फ्लक्चुएशन एग्जैक्टली सेम है, प्लस माइनस का वेरिएशन सेम है टेम्परेचर के अंदर। लेकिन अगर किसी के पास नहीं पड़ी हुई है तो उसने सीधा बोलना है सर वो SMD जो है, मतलब जो भी वो बोलेगा बला बला बला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, बल्कि ये जो है देखने में और ज़्यादा जो है क्यूट लगती है और ज़्यादा डिज़ाइन को छोटा कर दिया गया है। लेकिन अगर आप फीचर वाइज देखें तो इसमें एक फ़ीचर ज़्यादा ही है क्योंकि ये प्रोग्रामेबल बनाया गया है। इसमें आपको तीनों चीज़ों की इंस्ट्रक्शन, अगर आपका फ़ैन काम नहीं कर रहा तब भी आपको इंस्ट्रक्शन आएगी, आपका एलिमेंट अगर ख़राब हो गया है तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देगी, अगर PCB में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इन्फॉर्मेशन देगी। तीसरी चीज़ एयर की वैल्यू क्या चल रही है, ये फ़ैन की स्पीड आपको यहाँ पर घूमते हुए शो करती है। जब आप फ़ैन को 100 पर रखते हैं, जिस पर भी रखते हैं, जैसे आपने इस पर रखा, जब आप उठाएंगे फ़ैन यहाँ पर घूमना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ जो है आपको डिग्री नहीं शो करती, यहाँ सिर्फ आपको डिग्री सेल्सियस दिखाई देता है। दूसरी बात, LED के अंदर दोनों के डिजिट सेम आते हैं, आप देख सकते हो। इसको मैंने वापस रखा, स्लीप मोड ये भी शो करता है, स्लीप मोड ये भी शो, और रियल टेम्परेचर ये भी बताता है, रियल टेम्परेचर आपको ये भी बताती है। रियल टेम्परेचर बताने के साथ साथ जो है लॉकिंग करके अगर आपने इसको छोड़ दिया है तो आपको डिलॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग कहते हैं नहीं मुझे 2008 चाहिए, मैंने 2008 और 2008D+ के अंदर जो है प्रोग्रामिंग का डिफरेंस है या डिस्प्ले का डिफरेंस है। अदरवाइज अगर हम फीचर की बात करें, एक लेमन की बात करें, तो एक पैसे का डिफरेंस नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर लव एंड सपोर्ट्स। आप मेरे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, मेरा स्टोर विजिट करके परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।